हिमाचल प्रदेश में 108 कंपनी को संचालित कर रही मेडस्वान फाउंडेशन की लचर कार्यप्रणाली के चलते अब हिमाचल में जल्द ही मेडस्वान फाउंडेशन का बोरिया बिस्तर पैक होने वाला है। जल्द ही हिमाचल प्रदेश में 108 को संचालित करने नई कंपनी आएगी। ये बात स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने सोलन में कही। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उन्हें हर क्षेत्र से 108 की लचर कार्यप्रणाली की शिकायतें मिल रही है। सोलन स्थित प्रदेश के अनेकों स्थानों पर फटे टायरों वाली एम्बुलेंस सहित अनेकों खामियों के साथ 108 वो 102 की एम्बुलेंस चल रही है। उन्होंने कहा कि अब जल्द ही 108 कंपनी के साथ बैठक करेंगे व नई कंपनी को इसका टेंडर दिया जाएगा क्योंकि ये कंपनी इसे सही से चलाने में असमर्थ है। मैंने जल्दी ही मीटिंग भी बुलाई है और मैं चाहता हूं कि वो हम इस टेंडर को ही बदलना चाहते हैं। ये इनकी व्यवस्था ठीक नहीं है, उनके टायर ठीक नहीं है। लोगों को कई विधा से बहुत सी कंप्लेंट आई है, पूरे केवल सोलन से पूरे क्षेत्र में मैं गया हूँ तो हर जगह 108 और 102 की सेवाएं ठीक नहीं है। हम इसकी रीटेंडरिंग कराने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। तब तक सर नई एम्बुलेंस जो नहीं जल्दी ही हो जाएंगे, आप शीघ्र देखेंगे कंपनी बदल दी जाएगी जो हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हम ऐसा ही कुछ करने जा रहे हैं।